हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। आज गुरुवार सकाळर किछि ताजा खबर फटाफट देखि नियंतु। नूतन कृषि आईन इच्छाधीन, बाध्यतामूलक नुहे, लोकसभा रे कहिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार चाषी को सम्मान देउछंती एवं तीनोटी विवादीय चाषी आईन उपरे सेमानकर जुक्तियुक्त परामर्श ग्रहण करबाकु प्रस्तुत अछंती बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार घोषणा करिछंती। एथिसह एही आईन गुडीको इच्छाधीन एवं बाध्यतामूलक नुहे बोली लोकसभा रे राष्ट्रपति को अभिभाषण उपरे धन्यवाद अर्पण करबा अवसर रे स्पष्ट करि देइछंती प्रधानमंत्री मोदी। दुई मासरु अधिक समय धरि जातीय राजधानी दिल्ली रो सीमारे चालीथिबा चासिंको आंदोलनर पृष्ठभूमिरे मोदी कहिछंती जे एही नियम चासिंको विरुद्धरे बोली गुजब प्रचारित हेउछि। प्रधानमंत्री कहिछंती जे कृषि क्षेत्रे संस्कारकु दृष्टि रखी एही आईन संसदरे पारित होइछि। संसदरे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदंको अभिभाषणरे भारतर संकल्प शक्ति प्रतिफलित होइछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछंती। परवर्ती हेला पुणी बढ़िला मैट्रिक फॉर्म पूरण अवधि। माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्ष वार्षिक हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, राज्य मुक्त विद्यालय और मध्यमा फॉर्म पूरण समय सीमा पुणी वृद्धि पाई। फेब्रुआरी 12 तारीख मध्यरात्रि जाए छात्र छात्री माने फॉर्म पूरण करिपारिबे। तेबे पूर्वरु मैट्रिक फॉर्म पूरण तारीख फेब्रुआरी 2 तारीख थिला। एही अवधि वृद्धि करा जाय फेब्रुआरी 10 तारीख करा जायथिला। गतकाली पुणी एही समय सीमा वृद्धि पाई फेब्रुआरी 12 तारीख करा जायथिबा माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु सूचना दिया जायछि। गतकाली अर्थात बुधवार फॉर्म पूरण पाई शेष तारीख थिला। मंगलवार विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास सूचना देई कहिथिले फॉर्म पूरणर आवश्यकता को देखि मैट्रिक फॉर्म पूरण समय सीमा को आउ 2-3 दिन वृद्धि करा जाय पारे। परवर्ती हेला कोरोना टीकाकरण रे भी केंद्र राज्य विवाद। कोरोना टीकाकरण रे भी केंद्र राज्य विवाद। केंद्र सरकार कर्मचारी बोली कहि ईएसआई हॉस्पिटल रे कार्यरत 30 जन स्वास्थ्य कर्मचारी को टीका दिया न जीवा घटना एबे उद्वेगर कारण होईछि। एबोली निष्पत्ति आउ व्यवस्था को नै विभिन्न महल रे प्रश्न उठिछि। समग्र देश रे प्रथम पर्याय रे स्वास्थ्य कर्मी को कोरोना टीका दिया जीवो बोली निष्पत्ति होईथिला। सेही अनुजाई नाम पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ होईथिला। एबे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को टीका दिया गलानी, किंतु प्रथमे टीका नेबार अधिकार रखुथिबा 30 जन स्वास्थ्य कर्मी को एथिरु बाद दिया जायछि। जिला स्वास्थ्य विभाग पक्षरु करा जायथिबा पंजीकरण रे सेमानंकु बाद दिया जायथिबा अभिजो होईछि। कोरोना रो भयावह परिस्थिति समय रे राति दिन एक करी एमाने काम करथिले। सबु मेडिकल बंद थिबा बेले सेमाने रोगी को जरूरी सेवा जोगाय देथिले, किंतु सेमानंकु टीकाकरण रो बाद दिया जायथिबारु कर्मचारी माने क्षोभ प्रकाश करिछंती। परवर्ती हेला कोटिया प्रसंग नै हाईकोर्ट रे जनस्वार्थ मामला रुजु। कोटिया प्रसंग नै भारतीय विकास परिषद जनस्वार्थ मामला रुजु करिछि। एथिरे दर्शाइछि जे राज्य रो 3 गोटी जिल्ला जथा गंजाम, कोरापुट ओ गजपति रो मोट 58 गोटी ग्राम रे आंध्र सरकार हस्तक्षेप करबाकु उद्यम करुछंती। आंध्र सरकार तरफ रु ओडिसा सीमा भितरे थिबा अंचल रे ग्राम पंचायत निर्वाचन करबा पई प्रक्रिया आरंभ होई जायछि। राज्य प्रशासन रो अवहेला हेतु ए परिस्थिति सृष्टि होईछि। मान्यवर उच्च न्यायालय को प्रार्थना करा जायछि जे तुरंत सीमांत ग्राम गुडी करे जेपरि निर्वाचन परिचालना करा जाय पारिबो नाही सेति पई निर्देश दिया जाउ। उक्त अंचल रो सर्वांगीन विकास करा जाउ, समस्त सरकारी सहाय्य प्रदान करा जाउ। प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग, प्रमुख शासन सचिव राजस्व और विपर्य परिचालना विभाग एवं जिल्लापाल गंजाम, गजपति और कोरापुट को पक्षभक्त करी मामला रुजु करा जायछि। परवर्ती टीला चासी आंदोलन को समर्थन जणाई राजस्थान कांग्रेस विधायिका ट्रैक्टर चलाई पहुंचिले विधानसभा रे। राजस्थान बामन वासर कांग्रेस विधायिका इंदिरा मीना गतकाली एक अभिनव उपाय रे नूतन कृषि आईन प्रत्याहार दाबी रे आंदोलन चलाइथिबा चासी मानंकु निजर समर्थन जणाइछंती। एही उद्देश्य रे गतकाली विधायिका मीना बजेट अधिवेशन रो प्रथम दिन रे एक ट्रैक्टर चलाई आसी राजस्थान विधानसभा रे पहुंचिथिले। विधायिका मीना विधानसभा बाहर सांबादिक मानंकु कहिछंती जे एही प्रतिवाद आंदोलन रे अनेक चासी को मृत्यु घटिछि, एहा अत्यंत दुर्भाग्यजनक, तथापि केंद्र सरकारंकर अहंकार भांगी नाही। से कहिछंती गत वर्ष नवंबर 26 तारिख रु जातीय राजधानी विभिन्न सीमा रे कृषक माने विरोध प्रदर्शन करुछंती। तीनोटी नूतन प्रणयन होइथिबा कृषि आईन कृषक उत्पादन वाणिज्य एवं वाणिज्य आईन 2020 मूल्य निश्चितता एवं कृषि सेवा अधिनियम 2020 एवं
जरूरी द्रव्य अधिनियम 2020 को प्रत्याहार करिनेबाकु सेमाने दाबी करुछन्ति। परवर्ती हेला पश्चिमबंगरे 6-7, तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी 1 ओ आसाम 2-3 पर्याय होइपारे निर्वाचन। पश्चिमबंग समेत तमिलनाडु, केरल, आसाम ओ केन्द्रशासित अंचल पुडुचेरी विधानसभा निर्वाचन पई निर्वाचन कमिशनर पक्षरु जेकोनोसी मुहूर्त विज्ञप्ति प्रकाश पाइपारे। विज्ञप्ति प्रकाश पूर्वरु एबे कमिशनर सदस्य माने एही समस्त राज्य को गस्त करिबा सह सेठारे स्थिति अनुध्यान करुछन्ति। तेबे विश्वस्त सूत्ररु जहां जानिबा पई मिलिछि संभवतः पश्चिमबंगरे 6-7 पर्याय निर्वाचन करैबा पई कमिशन चिंता करुछन्ति। सेहिपरि तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी रे गोटिए पर्याय निर्वाचन अनुष्ठित करैबाकु सर्वोच्च निर्वाचन संस्था मध्य आलोचना करुछन्ति। तेबे केउठि केते पर्याय निर्वाचन हेबो से संपर्क रे चूड़ांत निष्पत्ति कमिशन 15 पर ही नेबे। परवर्ती हेला ओडिसा रे मेट्रो रेल नेटवर्क निमन्ते राज्य सरकारक ठारु ए पर्यंत कोनोसी प्रस्ताव मिलिनाही। ओडिसा रे मेट्रो रेल नेटवर्क निमन्ते राज्य सरकारक ठारु ए पर्यंत कोनोसी प्रस्ताव मिलिनाही बोली गतकाली राज्यसभा रे गृह निर्माण ओ नगरांचल व्यापार स्वाधीन राष्ट्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी कहिछन्ति। ओडिसा रे मेट्रो रेल नेटवर्क निमन्ते कोनोसी योजना अछि कि एवं जदि अछि ताहा केबे आरंभ हेबो बोली राज्यसभा सांसद श्री अश्विनी वैष्णवक प्रश्नर उत्तर दे हरदीप सिंह पुरी कहिले नगरांचल विकासर समन्वित अंश नगरांचल परिवहन हेउछि राज्यर व्यापार सुतरंग एहार आरंभ विकास एवं आवश्यक अर्थव्यवस्था करिबा संप्रक्त राज्य सरकारक दायित्व। परिवर्धित नीति आधारे प्रस्तावर उपयोगिता एवं मिलुथुबा संबलकु आधार करी केन्द्र सरकार संप्रक्त राज्य सरकारक अनुरोध को चाहे सहर एवं सहरांचल रे मेट्रो रेल योजना को आर्थिक सहायता जोगाई थाए किंतु ओडिसा सरकारक ठारु ए पर्यंत से भली कोनोसी प्रस्ताव आसी नाही बोली से कहिछन्ति। परवर्ती ती हेला एनिकी सबु दिन जगा दर्शन करि परिबे भक्त। एनिकी सबु रविवार महाप्रभु को दर्शन करि परिबे भक्त। सप्ताह को 7 दिन जाको खुला रहिबो श्री मंदिर। एने सूचना देइछन्ति श्री मंदिर मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार। महामारी कोरोनार कोप कमिबा परे भक्तक पई खोलिथिला श्री मंदिर किंतु मंदिर सानिटाइज पई प्रति रविवार बंद रहुथला। राज्य सरकार जारी करथिबा एही एसओपी रे कोहळ करिछन्ति। आगामी दिन रे सानिटाइज पई कोनोसी रविवार बंद हेबोनी श्री मंदिर। सप्ताह रे 3 दिन श्री मंदिर को करा जिवो सानिटाइज। सिंहद्वार देई प्रवेश ओ तीन द्वार देई भक्त माने करिवे प्रस्थान। आसंता रविवार महाप्रभु को चित्ताकर्षक पद्मवेश दर्शन करिवार सुजोग पाइबे भक्त। प्रति रविवार भक्त दर्शन पई श्री मंदिर खुला रहिबो। परवर्ती हेला पेपरलेस हेबो सबु आरटीओ ऑफिस। मोबाइल आप रे मिलिबो लर्निंग लाइसेंस। राज्यर समस्त आंचलिक परिवहन कार्यालय पेपरलेस हेबो। एहा सहित मोबाइल आप माध्यमरे एनिकी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिलिबो। परिवहन विभागर एभली प्रयास जोगु वर्षकु 1000 गच्छकु सुरक्षा मिलिबा सह प्राय 1 कोटी पेपर मध्य नष्ट हेबो नाही बोली जणा पडिछि। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गतकाली राज्य परिवहन प्राधिकरणर 9 ऑनलाइन सेवाकु उद्घाटन करिबा सह 5 प्रयास जोगु राज्यवासीकु घरे बसी ऑनलाइन रे एही सुविधा मिलि परिबो बोली कहिछन्ति। गाडी पंजीकरण ठु आरंभ करी गाडी मालिकाना परिवर्तन ओ मोबाइल आप रे लर्निंग लाइसेंस भली 9 सेवा ऑनलाइन रे उपलब्ध हेबो बोली कहिछन्ति। ओडिसा प्रथम राज्य भाबे लर्निंग लाइसेंस पै मोबाइल आप जारी करिछि। एही आप मध्य जातीय ई गवर्नेंस डिविजन रो मोबाइल आप प्लेटफार्म उमंग रे उपलब्ध हेबो। एभली पदक्षेप जोगु लोकंक मध्य रे बड आशा संचार हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिछन्ति। परवर्ती टी हेला ओडिसा रे आसिबो नुवा कृषि आइन। राज्य भीतर जेउठी चाहिबो फसल बिक्री करि परिबो चासी। खूब शीघ्र अध्यादेश आनिबे सरकार। ओडिसा रे आसिबो नुवा कृषि आइन। नुवा आइन अनुसारे चासी राज्य भीतर जेउठी चाहिबो निज धान बिक्री करि परिबो। एने खूब शीघ्र अध्यादेश आनिबाकु जाउछन्ति सरकार। सेपटे एमएसपी बा सर्वनिम्न सहायक मूल्य को 2 गुणा करिबा सह स्वामीनाथन कमिटी सुपारिश को कार्यकारी करिबा पई केन्द्र सरकारक निकटरे दाबी करा जिबो। गोटिए पटे केन्द्र सरकारक कृषि आइन कु नै देशरे हटचमट चालीथिबा बेले प्रचलित कृषि बजारर ढांचाकु बदलाइबाकु चाहुछन्ति राज्य सरकार। प्रतिद्वंदिता मूलक बजार सृष्टि करी कृषि आय वृद्धि करिबाकु लक्ष्य रखा जायछि। फळरे कृषिजात द्रव्यर विक्रय उपरे भौगोलिक प्रतिबंधक हटिबो एवं उत्पादक मानंकु सेमानंक उत्पादनकु राज्यर जेकोनोसी स्थानरे बिक्री करिबाकु अनुमति मिलिबो। अर्थात चासी तार उत्पादनकु राज्यर जेकोनोसी स्थानरे बिक्री करिपारिबो। कैबिनेटर अनुमोदन परे एने खूब शीघ्र ऑर्डिनेंस आनिबाकु जाउछन्ति सरकार। कृषिजात द्रव्यर विक्रय नै अध्यादेश आनुछन्ति राज्य सरकार। नजर पकाइबा एही प्रस्तावित अध्यादेशरे कोन रहिछि। राज्य मध्यरे बजारर विभाजनकु रद्द करिबा अर्थात गोटिए राज्य गोटिए बजार। समग्र राज्यकु एक एनफोर्समेंट एरिया
ভাবে ঘোষণা করা উন্নত বজার পাই গোদাম কিংবা শীতল ভণ্ডার কু সংগঠিত করা ই বাণিজ্য কু প্রোৎসাহিত করা যিব একক পয়েন্টে বজার শুল্ক আদায় রাজ্যব্যাপী একক বাণিজ্য লাইসেন্স প্রদান রাজ্য বজার কমিটির উন্নত পরিচালনা পাই কৃষি মার্কেটিং সেবা গঠন সেপটে এমএসপি বা সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য কু দুইগুণা করা সহ স্বামীনাথন কমিটি সুপারিশ কু কার্যকরী করা পাই কেন্দ্র সরকার কু অনুরোধ করা যিব। পরবর্তীটি হেলা অর্থতত্ত্ব চিটফন্ড ঠকেই মামলা মুখ্য অভিযুক্ত প্রদীপ সেঠীঙ্ক জামিন আবেদন খারজ। ছত্রপুর অতিরিক্ত জেলা দৌরা জজঙ্ক কোর্টরে গতকালি অর্থতত্ত্ব চিটফন্ড ঠকেই মামলার মুখ্য অভিযুক্ত প্রদীপ সেঠীঙ্ক জামিন আবেদন খারজ হয়ে যাইছি। জিআর কেস নম্বর 135/2013 তথা ছত্রপুর থানা কেস নম্বর 68/13 জামিন পাই প্রদীপঙ্ক পক্ষরু অতিরিক্ত জেলা দৌরা জজ রাজারঞ্জন পাড়িঙ্ক কোর্টরে আবেদন হয়েছিলা। আবেদনর শুনানি করি মান্যবার কোর্ট তাঙ্ক জামিন আবেদনকু খারজ করে দেইছন্তি। সরকারঙ্ক পক্ষরু ওকিল রমেশ চন্দ্র চৌধুরী ও ডমিনাথ সাহু এবং প্রদীপঙ্ক পক্ষরু ওকিল সঞ্জয় নারায়ণ সাহু মকদ্দমা পরিচালনা করিথিলে। পরবর্তীটি হেলা খসিলা সুনাদাম রূপা বি হেলা সস্তা। ভারতীয় বাজারে সুনাদাম গতকালি হ্রাস পাইছি। দিল্লি সরারফা বাজারে বুধবার অর্থাৎ 10 ফেব্রুয়ারি সুনাদাম প্রায় 38 টাকা প্রতি 10 গ্রাম হ্রাস পাইছি। এইভাবে রূপা দামে মধ্য 783 টাকা প্রতি কিলোগ্রাম হ্রাস পাইছি। শেষথর দিল্লি সরারফা বাজারে সুনা 47,614 টাকা প্রতি 10 গ্রাম বন্ধ হয়েছিল। রূপা 69,667 টাকা প্রতি কিলোগ্রাম বন্ধ হয়েছিল। পরবর্তীটি হল নিখোঁজ দুই ওড়িয়াঙ্ক না ঘোষণা কলে উত্তরাখণ্ড সরকার। উত্তরাখণ্ড হিমস্খলনের দুই ওড়িয়াঙ্ক নিখোঁজ ঘটনা। নিখোঁজ দুই ওড়িয়াঙ্ক না ঘোষণা কলে উত্তরাখণ্ড সরকার। জনে ভদ্রক জেলা চান্দবালি ব্লক কুদকান্থি গাঁর নাগার্জুন দাস হয়েছিল, বেড়ে অন্য জনে ময়ূরভঞ্জ জেলা খুঁটা ব্লক পরশুরাম হাসন্দা।